विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। 5 दिसंबर को होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। पिंपल के लिए अखिलेश यादव ने शुरू किया प्रचार। करहल में बोले, यह सपा की प्रतिष्ठा का चुनाव। पिंपल के चुनाव प्रचार में स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। बोले, श्री राम का सौदा करती है भाजपा। माफिया आतिक अहमद के भाई अशरफ की 7 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। देवाघाट छलवा में हुई है कार्रवाई। रायबरेली में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई है मारपीट। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर लखनऊ से है, जहां जिला न्यायाधीश संजय शंकर पांडे, जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार, संयुक्त पुलिस आयुक्त नीला जब्जा चौधरी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण, साफ सफाई और चिकित्सा व्यवस्था की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बंदी से बात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। इसी दौरान DCP साउथ उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी मोहनलाल गंज भी उपस्थित रहे। खबर प्रयागराज से, जहां किन्नर समाज और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें किन्नर समाज और छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों के पालन की अपील की है। कार्यक्रम के आयोजन कर रही महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के सभी से अपील की है। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां बच्चों के विवाद में दबंग पक्ष के लोग अवैध हथियारों से लैस होकर घर में घुस गए और मारपीट कर एक महिला सहित 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित पक्ष न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बता दें कि दबंग पक्ष ग्राम प्रधान के गुर्गो बताए गए जा रहे हैं, जहाँ मामला जिला अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के लालपुर कोतवाली का है। ये रात को लालपुर के सभी व्यक्ति इकट्ठे होकर आ गए, लाठी डंडे और तमंचे लेके आए और घर में मारने लगे। लेडीजों के साथ में बदतमीजी की। तो क्या कोई शिकायत वगैरह आपने की है? हाँ जी, थाने में रात तहरीर दी थी, हमारा मेडिकल नहीं हो पाया, सुबह की कहा था उन्होंने। अब गए तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे पहले अपने बच्चों को बुलाओ, उसके बाद में हम देखेंगे। तो क्या कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कोई वीडियो वगैरह है आपके पास? जी है हमारे पास। खबर सुल्तानपुर से, जहां जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जिला महिला अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। साफ सफाई और अनियमितता पाने पर केयर टेकर की फटकार लगाई, नियमित रूप से काम करने और एंटी लार्वा का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान CMS महिला डॉक्टर VK सोनकर ने अस्पताल के खस्ताहाल शौचालय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार पत्राचार के माध्यम से शिकायत की है, पर अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। जब से बिल्डिंग का हैंडओवर किया इन्होंने, और तब से जो है इसमें शौचालय कोई भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, और जो बिल्डिंग शौचालय अगर हम चलाते हैं तो उसके नीचे टपकने लगता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से उसमें कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाता। जहाँ तक है हर फ्लोर पे हम लोग जो जो काम है चल रहे हैं, पार्सल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये शौचालय अच्छी तरह ठीक हो तो पेशेंट को इसको का अच्छा फायदा मिल सकता है। अलीगढ़ के थाना गोंडा के प्रभारी द्वारा धमकाने के सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहाँ पीड़िता ने SSP अलीगढ़ के न्याय की गुहार लगाई है। बताया कि थाना गोंडा प्रभारी उमेश चंद्र शर्मा के कारनामे की अक्सर ऑडियो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इसी को लेकर थाना गोंडा क्षेत्र के गांव मुजपुर में वीरेंद्र सिंह के घर जाकर थाना प्रभारी ने धमकी देते हुए कहा कि माफिया बनाकर पूरे घर को जेल भेजकर घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। पुलिस की लगातार धमकी से घर की महिलाएं परेशान हो गई हैं।
भैया हमारे ऊपर मतलब मेरे पति के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, चावल का काम करते हैं जबकि हम चावल का काम करते नहीं है, और इन्होंने झूठा केस ठोक दिया हमारे ऊपर। किसने लगाया? सप्लाई इंस्पेक्टर ने। क्या नाम है उसका? उसका नाम नवल सिंह। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में करी थी? अरे नहीं, तो वो हमको पुलिस परेशान कर रही है भैया, हमको धमकी देती है आके। क्या धमकी दे रही? सारे घर को परेशान करती है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपको किस तरह से धमका रही है पुलिस? ऐसे ही धमका रही है, सारे घर को परेशान कर रही है कि घर पे बिल्डोजर चलवा देंगे, कि सारे घर को फंसा देंगे। रायबरेली के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। वहीं हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। जानकारी के मुताबिक शराबी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद रिश्तेदार घायल शराबी को इलाज कराने लाए थे। वहीं मुश्किल से जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने शराबी पर काबू पाया, जब जाकर उसका इलाज हो सका। खबर कुशीनगर से, जहां बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता एवं शिक्षा समारोह 2022 का उद्घाटन जिला खेल स्टेडियम रविंद्र नगर घूस में किया जा रहा है। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया, आयोजन का शुरुआत किया है। उन्होंने विभिन्न विकास खंडों के स्कूली छात्र छात्राओं को सलामी ली, खेल भावना की शपथ दिलवाई। इसके साथ ही प्रज्वलित मशाल को तम कुहिराज की छात्रा सरिता निषाद को सौंपा। खबर सीतापुर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रमुख संरक्षक सुनील मिश्रा का जन्मदिन को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा और अन्य सदस्यों ने केक काटकर जन्मदिन को मनाया गया है। गरीब बच्चों को वस्त्र भी बांटे गए। प्राइम टीवी के संवाददाता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत की। आज जनपद सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के संरक्षक माननीय सुशील मिश्रा का जन्म दिवस राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा द्वारा मनाया गया, जहां बड़े ही उत्सव से केक काटा गया, जिसके बाद गरीब बच्चों को कुछ वस्त्र भी भेंट किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या है इस संगठन के उद्देश्य और नीतियाँ। जी फर्स्ट ऑफ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के मुख्य संसद सुशील मिश्रा के नेतृत्व में सारा काम हम लोग कर रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए साबित होता है, निरंतर हमें सफलता भी मिलती है। हम इस संगठन के द्वारा गरीबों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा किसी स्तर पर अगर उनका शोषण होता है किसी अन्य अधिकारियों के द्वारा, तो हमारा संगठन उनके साथ मिलाकर खड़ा रहता है, और इसमें मीडिया की भूमिका रहती है। आप जैसे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, इसके माध्यम से जल्द हम कार्रवाई करवा पाते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। तथा इसके अलावा भी हम न्याय दिलाने के बाद में भी हम जो है लोगों के लिए, जैसे आज हमने वस्त्र का वितरण का प्रोग्राम रखा, ऐसे हम हर जनपद में प्रत्येक माह में अंडी कार्यक्रम करवाते हैं। इसी प्रकार से अभी हम गरीबों के लिए शिक्षा के लिए काम करने वाले हैं, जिसमें गरीबों के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उस पर भी हम लोग काम करते हैं। संगठन में आपने जैसे बताया कि गरीबों और शोषितों की मदद की जाती है, अभी तक जिन गरीबों की और जिन शोषितों की मदद की गई है, उनमें क्या लगा आपको कि प्रशासन की कहां तक गलती रहती है, कहां तक आम जनता की भी उसमें सहयोग रहती है? हाँ, प्रशासन की तो गलती हम मान सकते हैं कि 90% रहती है। ज़्यादातर जो भी केस आते हैं शोषित है, पीड़ित है, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हो रही या उसके पास पैसे की कमी है। आज ज़माना जो चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर उनके पास पैसे नहीं तो वो न्याय के लिए बैठे रहते हैं, उनकी FIR भी नहीं लिखी जाती। अगर चौकी पर अप्लीकेशन देते हैं ना तो 1000 रुपये उनका लिया जाता है, अगर 1000 रुपये नहीं है तो अप्लीकेशन भी वो नहीं दे पाते हैं चौकी पर, उनको वापस लौटना पड़ता है। ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो उनका कुछ नहीं हो पाता। जब वो हमारे पास आते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से हम उनको उनकी FIR डायरेक्ट करवा लेते हैं या IGS के माध्यम से हमको करवा देते हैं। अध्यक्ष जी, हम जानना चाहेंगे जो संगठन के मुख्य संरक्षक हैं माननीय सुशील मिश्रा जी, उनके क्या जो संगठन बनाने के बाद उनके क्या उद्देश्य रहे संगठन बनाने के लिए, क्यों ये संगठन इन्होंने तैयार किया, फिर इनको क्या लगा ये संगठन बनाना जरूरी है? जी ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया हमसे, क्योंकि वो लगभग 12-15 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और उनका एक बहुत अच्छा व्यवसाय भी चल रहा है अमेरिका में, और उन्होंने क्या किया, मुझसे बात किया और मुझे निर्देश दिया कि इस तरीके से काम करें जिससे गरीबों के न्याय के लिए हम
जो है लड़ सके, उनको न्याय दिलाने में सफल हो, अपना जीवन सार्थक करें, कुछ गरीबों के लिए काम करके। तुमने एक विचार विमर्श किया और हमने बात किया, क्योंकि हम पहले हम प्रदेश अध्यक्ष पद पर हम काम कर रहे थे विवेक ओबेरॉय के ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे जो है ऑफर दिया, तो बोले कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कीजिए, मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए, हम आपके हर संभव मदद करें, जो भी आपको गाइडेंस की अगर आवश्यकता पड़ती तो हम आपके लिए मदद करने के लिए। तो उनका ये सफल प्रयास रहा जिसको जिसके द्वारा आज हम कुछ गरीबों के लिए कर पा रहे हैं और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम आज समाज में काम। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा जी, जिन्होंने संगठन के क्या उद्देश्य हैं, क्या नीतियाँ हैं और संगठन को क्यों बनाया गया है, इन सभी बातों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। कैमरा पर्सन राम प्रकाश मिश्रा के साथ सुनीश तिवारी, ब्यूरो सीतापुर। खबर औरैया से, जहां बर्थडे पार्टी के दौरान हुई दलित बच्चे की हत्या के मुख्य आरोपी को एसएसपी निर्देशन में गठित टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी हत्या के बाद मौके से फरार था, जिसे अनैनपुर रोड पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। थाना कोतवाली औरैया के मोहल्ला बागा कटरा में दिनांक 12 नवंबर 2022 को एक बर्थडे पार्टी के दौरान में एक ऋषि चौधरी नाम के युवक ने एक 15 वर्षीय बालक देव के गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से फरार हो गया था। पीड़ित की तरफ से तहरीर के आधार पर समचीन धाराओं में मुकदमा पारित किया गया था। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में कई टीमें लगाई गई थी। इसमें मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर 17/11 को 22 को अनिपुर मोड़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय रिमांड भेजा गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई। खबर देवरिया से, जहां मां काली मंदिर कालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि समाजसेवी विजय राव ने जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खिलाड़ियों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। समाजसेवी विनय राव ने बताया कि प्रदेश में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें तराशने की जरूरत है। खबर गाजियाबाद से, जहां हरसाओं शमशान घाट की जमीन पर नगर निगम और ग्रामीण वासियों ने विवाद चल रहा है। नगर निगम शमशान घाट की जमीन को ग्रीन बेल्ट की भूमि बताया है, तो वहीं तहसील के भूलेख दस्तावेज खसरा नंबर 659 में जमीन शमशान घाट के लिए आरक्षित है। ग्रामीणों का आरोप है कि शव लेकर शमशान घाट पहुंचे थे। नगर निगम के आदेश के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मिशेल घड़ी शमशान घाट जाने की सलाह दी। साथ ही एसडीएम ग्रामीणों ने बातचीत करके जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया। खबर आए बरेली से, जहां रामपुर सुदौली गांव में रहने वाले परिवार देर रात सियार के हमला कर दिया है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की बढ़ती संख्या देखकर सियार जंगल की ओर भाग गया। वहीं घायल इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां घायलों को प्राथमिक इलाज सुबह 10 बजे के बाद ही दिया गया। कहाँ रहते हो? घर में। किस गांव में रहते हो? रामपुर सुदौली। अच्छा, क्या हुआ? सियार ने काटा। अच्छा, कितने लोग सियार ने काटा है? आपको भी काटा है? कब रात में? हाँ। अस्पताल नहीं गई आप? अस्पताल ही है, यहाँ नहीं भेजा है। इलाज हो गया था आपका? इलाज हो गया आपका? फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।